नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे की जलेबियाँ। देखिए दोस्तों, जब घर पे मैदा नहीं होता है तो और जलेबी बनाने की इच्छा होती है तो क्या करें, किस तरह से हम आटे की जलेबी भी बना सकते हैं। आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले लेंगे ये मैंने लिया है गेहूं का आटा, आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये है दही और ये है ऑरेंज फूड कलर। और इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। सबसे पहले इस तरह की कोई सभी के घर में मिल जाती है ये छकनी, और इस छकनी से हम आटे को छान लेंगे। इसमें क्या होगा कि आटे के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी और जो इसका बड़ा पार्ट है ना वो ऊपर रह जाएगा। देखिए आप नीचे देखिए, छन करके इतना बड़ी एकदम से वाइट मैदे जैसा निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से ये टिप्स जो है अपना सकते हो, जब आपके घर में मैदा नहीं हो और जलेबी बनाने का मन करे तो आप इस तरह से आटे को छान लें। तो हम जो इसका बड़ा पार्ट है वो निकाल देंगे और इसका जो एकदम से वाइट पार्ट है वो रख लेंगे। अब ये जो इसका मोटा मोटा पार्ट रहा है इसको मैं हटा देती हूँ, बस हमें इतना ही आटा प्रिपेयर करना है। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और अब डालेंगे देखिए ये दही और इसका हम बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको हमें बिल्कुल चिकना कर लेना है, वो को इस तरह से आपको इससे पतला नहीं करना है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये वैसे ही पतला हो जाएगा। जब तक मैं इसको मिक्स करूँगी जब तक इसके सारे जो लम्स हैं वो निकल जाए, क्योंकि मैंने दही को छान कर नहीं लिया था। इसलिए थोड़ा सा आपको दही को छान करके लेना है। अब क्या करना है, आपको फास्टली से इसको इस तरह से मिक्स करना है, एकदम जितना फास्ट हो सके। बस एक ही साइड में आपको इसको इस तरह से मिक्स करना है। अब आप देखिए जैसे एकदम से जो बैटर है वो एकदम से लचीला हो गया है, तो हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। दूसरी तरफ मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो चाशनी के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल शुगर और 1/2 बाउल पानी और थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी केसर की पंखुड़ियाँ। सभी को डाल करके पहले चीनी को पिघला लेते हैं और जब चीनी पिघल जाए तो इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद में जो चाशनी है वो लगभग गाढ़ी हो जाती है, लगभग एक तार से थोड़ी सी कम चाशनी देते हैं, एक तार आने वाला सा होता है, तो चाशनी को साइड में रख देते हैं। ये घी टिका दिया है मैंने गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ जो बैटर है उसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो आटे अगर आप के पास में घर में मैदा नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप गेहूं के आटे का इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसे भी आपकी जलेबियाँ बहुत ही बढ़िया बनेंगी। बस एक ही कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपको इस बैटर को फिल कर देना है किसी भी प्लास्टिक के पेपर में, कवर में। तो आटे के बैटर को अगर 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक छोड़ दिया जाता है बहुत ही अच्छा उसमें लोच आ जाता है। अब मैंने ये प्लास्टिक की थैली ली है और इसके अंदर बैटर भर के और जो इसका कॉर्नर है वो मैंने कट कर दिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर जलेबियाँ निकाल लेंगे। आप जो कलछी होती है उसके सहारे से भी जलेबी बना सकते हो, तो मैंने कलछी के ऊपर थोड़ा सा कलछी को चिकना कर लिया, उसके बाद इस तरह से जलेबी बनाई और उसको चम्मच के सहायता से नीचे उतार दिया। फिर से मैंने कलछी के ऊपर ही इस जलेबी को बना लिया, इस पर थोड़ा सा घी इस तरह से चम्मच से फैला दिया और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से नाइफ के हेल्प से भी आप इसको इस तरह से नीचे घी के अंदर डाल सकते हो।
और इसी तरह से मैं सारी जलेबियाँ निकालने वाली हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, देखिए आपको जितना करारा है इसको सेकना है आप सेक सकते हैं। बस इसके जो कॉर्नर जहाँ पे घी नहीं जा रहा है वहाँ पे आप चम्मच से घी डाल दीजिए, फिर ये नीचे उतर जाएगी। फिर आप इसको दोनों साइड से पलट करके करारा होने तक इनको पका लें। गैस का फ्लेम अभी हाई रखना है। जब आप पका रहे हो तो गैस का फ्लेम हाई रखें, जब आप बना रहे हो तो गैस का फ्लेम स्लो रखें। अब चाशनी के अंदर इनको सीधा डिप करना है और लगभग 5 मिनट तक आप इन्हें चाशनी में रखें। चाशनी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए एक तार के जैसी, और फिर इन्हें निकाल देना है। बस चाशनी पी करके जलेबियाँ बिल्कुल से रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। इसी तरह से सभी जलेबियाँ हम निकालेंगे, चाशनी के अंदर डालेंगे और 2 से 5 मिनट तक रखेंगे, फिर निकाल लेंगे। क्योंकि गर्मा गर्म जलेबियाँ तुरंत ही चाशनी पी करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया, इतनी बढ़िया टेस्ट के अंदर जलेबियाँ बनी, और मैंने घी के अंदर निकाली है तो बहुत ही टेस्टी भी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो नीचे बेल आइकन है ना, घंटी का बटन, उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।